पहले डायरेक्टर साहब लाइए, मायूसी जो आपको एचडीएफसी लाइफ पर आती हुई दिख रही है, पहली तिमाही बाजार को पसंद नहीं आई और देखिए क्या जबरदस्त यहां पर गिरावट। बहुत रेयर स्टॉक्स हैं जो आपको 200 डीएमए के आसपास मिलेंगे इस बुल रन में, और वो भी प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस में इतना जाना माना काउंटर। एचडीएफसी लाइफ में काफी जबरदस्त सेलिंग आपके सामने आती हुई, फिलहाल 667, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये अपने 200 डीएमए पर सपोर्ट लेने की चेष्टा कर रहा है, और जो लो है आपके सामने वो दिख रहा है 2 जून का। राजेश पालविया साहब, एचडीएफसी लाइफ ब्रेकडाउन होता हुआ इस लेवल पर, बताइए क्या ध्यान और रुझान? देखिए शैल जी, पिछले दिनों में जो एक पुलबैक भी आया था तो वो अपने एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 700-705 के, वो क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं कर पाया था। अभी हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 658 ये नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आते हुए दिख सकता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा इस करेक्शन का। तो जिनकी भी शॉर्ट पोजीशन है या करंट लेवल से शॉर्ट यहाँ पे इनिशिएट करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख ले आप 674 के आसपास का। लोअर साइड के जो टारगेट लगते हैं इमीडिएट वो आना चाहिए 658 और 655, वहाँ पर अपने एक बार शॉर्ट पोजिशन को कवर करें। आपके सामने एचडीएफसी लाइफ में बढ़ती हुई, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट फेयर आपको दिख रहा है एशियन पेंट्स के काउंटर में। बढ़िया वॉल्यूम और बढ़िया ट्रांजैक्शंस यहां पर होते हुए नतीजों के बाद। जोशी साहब, मयूरेश जी, ये प्रश्न आपके लिए, कुछ खासियत आपको एशियन पेंट्स में दिखती हो? ये रिकॉर्ड हाई आपके सामने अभी लगाएगा काउंटर। नहीं, दो तीन चीज, आई थिंक जो पेंट का कारोबार है शैल सर, यहाँ पे आई थिंक जबरदस्त ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि आई थिंक थोड़ी ठीक ठाक है, बट आई थिंक अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो सेकंड हाफ से जो आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, आई थिंक दैट कैन बी ट्रेमेंडस। दूसरा आप देखें जो EBITDA मार्जिन्स हैं, हालांकि वो कम आए हैं थोड़े, आई थिंक यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि क्रूड प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़े थे, विथ क्रूड प्राइसेज एक्सपेक्टेड टू कूल ऑफ, ये जरूरी नहीं है कि एशियन पेंट्स विल रिड्यूस देयर प्राइसेस क्वाइट सिग्निफिकेंट इन प्रोपोर्शन टू द क्रूड प्राइस फॉल इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। इसके जो EBITDA मार्जिन्स हैं और जो कैश फ्लोज रिपोर्टों के बॉटम लाइन पे, वो शायद कंपनी प्रोटेक्ट करने की देखेंगी। और तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रीपेंटिंग डिमांड, जो वॉल्यूम ग्रोथ हम मान के चलते हैं, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड स्टार्ट कमिंग बैक इन डबल डिजिट्स। तो लगे ये सारी चीज़ें और पहलू आई थिंक स्टॉक के आई थिंक काम में आएंगे। आज शाम को 6 बजे कॉन कॉल है मैनेजमेंट के साथ, तो इस पर मैनेजमेंट क्या आउटलुक देते हैं डिमांड को लेकर, ये बहुत जरूरी होगा इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग ऑन द स्टॉक व्हेन द मार्केट ओपन्स अप। कॉन कॉल का इंतजार आपके सामने हो ही रहा है, लेकिन बिल्डअप बहुत शानदार फिलहाल आप कैश और फ्यूचर्स दोनों में होते हुए दिख रहे हैं। नतीजे बाजार को बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आए, और फिलहाल 3125 का प्राइस एशियन पेंट्स का आपको कैश में और 3134 फ्यूचर्स में आता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, आप इस ट्रेड को एनालाइज करना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट बार आपके सामने एशियन पेंट्स पर नतीजों के बाद और बढ़िया वॉल्यूम्स पर। जी शैल जी, एशियन पेंट्स अच्छा कर रहा है 3132 पे। मैं इसको फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों प्रोस्पेक्टिव से एनालाइज करना चाहूँगा। पालविया साहब, स्पेशली अगर आप देखें, जब हम वो रिजल्ट्स का आकलन कर रहे थे और जो मैंने वो क्रूड वाली बात कही थी ना, वो बहुत मैटर करती है भाई, क्रूड का एडवांटेज बाजार इसको दे रहा है। आपका टेक क्या होगा इस वक्त? इसकी कोई नियरेस्ट स्ट्राइक मेरी, इसकी ऑप्शन चेन नहीं खुल रही है, आप किसी ऑप्शन को कैप्चर करना चाहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट है और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि ये मिड जून से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ये उसका ब्रेकआउट है। तो देखिए वीरेन जी, हमने जब उस समय डिस्कस किया था तो हमने 3140 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करे थे कि अगर ये 3085 के ऊपर चलेगा तो 3140 आएगा, ऑलमोस्ट फ्यूचर हम वहीं ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना है, मुझे लगता है 3180 की कॉल ऑप्शन जो कि अभी ट्रेड कर रही 44 रुपीज के आसपास, ये बाय किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब 3200 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। ये ऑप्शन के टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए 60 रुपए से 65 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख ले इस कॉल ऑप्शन का, 3180 की कॉल ऑप्शन का करीब 38 के आसपास टारगेट रखे 55 रुपए से 60 रुपए तक के। ओके, अच्छा देखिए, अब एशियन पेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर का एक इम्पैक्ट देखिएगा आप, लेके आइए एक तरफ एशियन पेंट्स रखिएगा, 3200 की कॉल पे आप फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइटली आउट ऑफ मनी करीब 50 रुपये ऊपर। मैं ओआई चेक कर रहा था,
कि एशियन पेंट्स के नंबर आने के बाद क्या क्या हो रहा है बाजार में। सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अगर किसी दूसरे स्टॉक के ओआई पे पड़ा है तो वो है पिडिलाइट। डायरेक्टर साहब पिडिलाइट लेके आइएगा, पिडिलाइट की कैंडल स्टिक चार्ट लेके आइएगा। पिडिलाइट इस वक्त डे हाई पर, यस डे हाई पर 2290, और आप ये समझ लीजिए कि पिडिलाइट भी एक बेहतरीन रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ। एक काम करिए, पिडिलाइट की आप कॉल लेके आइए 2300 रुपये की, नहीं 2300 रुपये की नहीं, इसकी स्ट्राइक्स कितनी अवेलेबल है, यस 2200, 2300, 2400 की कॉल लेके आइए। 2300 की कॉल ट्रेड कर रही है इसकी 29 रुपये 80 पैसे की। राहुल जी आपका टेक इस पर, पिडिलाइट भी रिएक्शन देता हुआ, पिडिलाइट पे भी रिएक्शन है, बजर पेंट्स पे भी है, इसकी 2300 की कॉल पे आपका टेक और पिडिलाइट पे आपका टेक। जी देखिए, जो पिडिलाइट में जो यहाँ पर टेक्निकल सेटअप है काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से स्टॉक अपने एक तरह से नए लाइफ हाइज लगाने के लिए यहाँ पर तैयार है, खास करके रिजल्ट आने के बाद में। इसी जो 2300 की कॉल है, तकरीबन 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मोमेंटम ट्रेडर 40 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक बर्जर पेंट की बात आती है, बर्जर पेंट में चार्ट सेटअप यहाँ पर और भी बढ़िया है मेरे हिसाब से। बर्जर पेंट में आपको जैसे ही 850 ने कैश में निकाल दिया, 850 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव हो जाता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर आपको 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो बर्जर में आप फ्यूचर्स में बाय करके चल सकते हैं, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर 840 का रहेगा। और साथ में जो पिडलाइट है उसमें 2300 की कॉल ऑप्शन आइडियल रहेगी, जो तकरीबन 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। चलिए असित बरन जी से जोड़ते हैं। असित जी, जो आप तेजी देख रहे हैं एशियन पेंट्स में, वो ब्रेकआउट देखते ही बनता है, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपको पसंद आता हो एशियन पेंट्स में तो उसका जिक्र कीजिए। सर मैं 3150 का कॉल देख रहा हूँ, आई थिंक इट इज राइट नाउ 59, अगर थोड़ा रिट्रेस होता है तो इसको ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 35 फॉर अ टारगेट ऑफ 80। इसमें 3100 की में काफी अच्छा कॉल रेटिंग था एंड आई थिंक दैट इज ट्रैप। अभी एशियन पेंट्स में अब अंटिल 3200 देयर इज नो रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि इसमें से 40-50 पॉइंट का मूव काफी स्ट्रांगली आ सकता है। एंड अगर ये 3100 के ऊपर रहता है बाय क्लोज ऑफ द डे, आई थिंक इट कैन डेफिनेटली गिव अस अनदर 40-50 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट डे एंड थर्सडे। सो क्वाइट बुलिश स्ट्रक्चर, एंड जिस हिसाब से ओआई डेटा का क्रैक हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉल राइटिंग में, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोइंग अप। इनफैक्ट ऑल द पेंट सेक्टर, मतलब बजर पेंट एंड पिडिलाइट जैसे वीरेन जी बोल रहे थे, they're also looking quite good. So Asian Paints 3150 का कॉल हम ले सकते हैं। तो Asian Paints की 3150 की कॉल आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है, और वो कुछ ही समय में आपको इन द मनी होती हुई दिखेगी जिस हिसाब से आप मोमेंटम पकड़ रहे हैं एशियन पेंट्स पर। वॉल्यूम वीरेन जी आज देखते ही बनता है इस काउंटर पर, लगभग 42,70,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और ये उच्चतम लेवल आपके सामने है 14 मई से। तो बढ़िया मूव वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का, और ये तेजी आपको आती हुई दिख रही है नतीजों के बाद, लेकिन अर्निंग्स कॉन कॉल से पहले गिरते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं उन कंपनियों के लिए जहां पर उनके रॉ मटेरियल्स आते हैं क्रूड डेरिवेटिव से। अब 3155 आपके सामने स्क्रीन पर, वो जो कॉल थी वो इन द मनी आती हुई, कोशिश कर रहे थे असित जी आपको सस्ती दिलवाएं 55-50 रुपए के आसपास, लेकिन बाजार कोई मौका नहीं दे रहा। फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो है 61.50। वीरेन जी साथ ही साथ यही तेजी आपको पिडिलाइट पे भी आती हुई दिखेगी। जी हाँ, पिडिलाइट शैल जी अब आ गया 2293 पे, जुलाई फ्यूचर्स डे हाई पर है। बजर पेंट्स अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पर है और करीब करीब 860, तो इसे कहते हैं सेक्टोरियल मूव। और आप एक और चीज याद रखिएगा कि बजर पेंट्स में एक खास बात यह है चंदन, जिसको शायद हमें गौर करना चाहिए, कि बजर पेंट्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन कंपैरिजन टू पिडिलाइट और इन कंपैरिजन टू एशियन पेंट्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़ा लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। इसमें हुआ है 8 जनवरी, यानी आप समझ लीजिए कि आपका